न किसान मन परेशान हुई परेशानी हुई, न अधिकारी मन तकलीफ हुई। नहीं तो अबका धान खरीदे पहली सरकार ने दुगुना धान पैसा खरीदे और कोई परेशानी नहीं हुए। एक कारण ये कि बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से सब काम हुए है और ये आगे बढ़ाए के आवश्यकता है। और साथ ही आज जिन समय है तेन केवल धाने भर के नहीं बल्कि हमन कोदो कुटकी रागी मक्का गन्ना सब हमन खरीदे शुरू करें। और बाद अब तो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खोल दे और नई था कॉलेज भी खुल गए। अब जन सब्जी मंडी वन की डिमांड बहुत जगह आए भले है, खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे वो सरईपाली तरफ हो चाहे कटघोरा तरफ हो चाहे धर्मदेवगढ़ तरफ, कटघोरा नहीं धर्मदेवगढ़, चाहे वो अंबिकापुर की तरफ हो चाहे बस्तर में हो, सब जगह सब्जी और फल के उत्पादन बढ़े तो कर डिमांड भी बढ़े। और साथ साथ चार पांच साल पहले स्थिति ये रही थी कि बस्तर में सब्जी ज्यादा रही थी, अब उल्टा हो गया, बस्तर की सब्जी बाहर निकल जाते हैं। तो केवल धान बताया का मतलब रखते हुए कि हमन केवल धाने उत्पादन भर नहीं करा था बल्कि दूसरे दिन हर सब्जी के उत्पादन में बहुत गुणात्मक वृद्धि हुई है। हमारे बंदा क्षेत्र है कि पत्थल गांव क्षेत्र है, टमाटर के मामले में जाने जा थे, लेकिन अब उकर और हमारे वेल्यूडिशन करना है, तीनों दिशा में हमारे आगे बढ़ना है। तो सरकार की ओर से निरंतर ये प्रयास कि किसी किसान मन के जते की उपज है तो सही मूल्य मिल सका है। अगर माध्यम मंडी है, ये साल मंडी में धान बेचा है गर्मी फसल के, न भूते न भविष्य के भविष्य में हुई तो नहीं जाना, लेकिन आज तक के कभी आपका धान की कीमत नहीं मिले जबका साल मंडी में मिले। लेकिन केंद्र सरकार को पसंद ही नहीं है किसान का धान ज्यादा काबर मिले, तो जिन बाहर जाए गिरी से धान जिन बाहर चावल बाहर जाए गिर से तो प्रतिबंध लगा दी और ये जारी रही न धान की भाव गिरी। यदि विदेश में बिक्री के अनुमति रही तो हमारे धान के भाव उसने बढ़ी, तो किसान का दोनों ऑप्शन रही, हम सोसाइटी में धान बेचे जाए तो मंडी में धान बेचे जाए। अगर राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसान गेट कहूँ गेट ही नहीं है, लेकिन यदि इन्हीं रेट है मंडी में इस साल जैसे गर्मी फसल है तो धान 2200-2400 रुपये तक गए, समर्थन मूल्य 2100 रुपया है, तो किसान कहाँ पर 2100 रुपये में बेचे, 2400 रुपये में बेचे। लेकिन भारत सरकार जैसे अभी चावल लकड़ी ना 86 लाख मीट्रिक टन पहली अनुमति दे दी, अभी बिना कहीं कोई कारण के 61 लाख मीट्रिक टन कर दी, जबकि एक बार हम कहें कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद लो, पिछले साल 15 क्विंटल के हिसाब से करें तो 107 लाख मीट्रिक टन हुई और ये साल उसके चरण में कहा हुई तब हमारा धान है 125-30 लाख मीट्रिक टन से कम नहीं है। और इसे 25-30 लाख मीट्रिक टन के यदि चावल बना दो तो 86 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से होते, लेकिन केंद्र सरकार ने सुहावे नहीं करे छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ सरकार अब 61 लाख कर दे, मतलब हमने वो 80-85 लाख मीट्रिक टन जो धान है बिगर निराकरण हुई, हमन धान खरीदते हम अशोक चावल खरीदते नहीं खरीदे तो हमन मार्केट में बेच देते, लेकिन किसान का घाटा नहीं हमने। तो अभी फिर से ही बुता और बायोमेट्रिक्स ले आए, अरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया धान खरीदी व्यवस्था कौन है तो केवल छत्तीसगढ़ में, तो बायोमेट्रिक्स ले आए। अरे किसान के अभी खेत के कृषि विभाग भी चेक करे थे, राजस्व विभाग भी चेक करे थे, सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन होते, आधार से लिंक होते, बैंक से लिंक होते, अतिकम प्रक्रिया हो या बाद भी और हर साल हम धान साल दर साल धान वन खरीदा था कोई गड़बड़ी नहीं आते। अब बायोमेट्रिक्स लाभ का कर देते हैं, मतलब जेन किसान है रायपुर में है और जमीन है तो बलौदा बाजार में तो और रोज जाए लगे बायोमेट्रिक्स लगाए
अगर खाता तो कैसे रहे, कोई नगद तो लेत नहीं है। यहाँ तो ऐसे है कि गोबर बेचे तेकर पैसे बटन के पत्थर खाता में जाते, बेरोजगार मन के खाता में यदि बटन से पत्थर खाता में जाते। हर तीन महीना में तो हर पैसा राजीव गांधी किसान न्याय योजना बटन से पत्थर तो खाता में जाते, तो कोई नगद भुगतान तो होते नहीं है। तो फिर बायोमेट्रिक्स लायक काबर कैसे परेशान करना है किसान लोग। अब वो लाइन लगे रहा, जैसे हम टोकन ऑनलाइन करें, नहीं टोकन पर लाइन लगे रहा है, अब वो ऑनलाइन कर दें। मोबाइल में खेते में बैठे बैठे अपन भेज दी इसमें से टोकन के नंबर आ गए, वो दिन अपन धान लग ट्रैक्टर में भर के ले देते किसान। अगर टोकने पर कतर लाइन लगा थी इसे दो साल पहले, दो साल बिल्कुल परेशानी नहीं। तो अब ये परेशान करे की कोशिश, लेकिन अब वो नहीं पड़ो। तो आज अभी जिन भवन बने हैं तेकर बारे में जानकारी आप सब रहे कि यहाँ यहाँ अनाज के भी काम होना है, अनाज उत्पादन के, मछली पालन के, रेशम पालन के, मधु पालन, तो इनमें सब ये विभाग से ये बिल्डिंग से सब अधिकारी मन देखी एक लाभ किसान मल्ल मिल रही, आप मल्ल मिलना है और अधिकारी कर्मचारी मल्ल भी सुविधा हुई। आज इसे बड़े काम हुए, कृषि भवन के भी आज शिलान्यास करें और मंडी बोर्ड के भी आज लोकार्पण करें। और एक साथ साथ दो तीन और बड़े काम, एक तो होलसेल मार्केट का शिलान्यास करा था, मतलब हिंदुस्तान में सबसे बड़े थे एशिया के सबसे बड़े होलसेल मार्केट का आज हमने अभी भूमि पूजन करे जाबो। और एक साथ साथ ये जिन बाजार है तीन काफी बड़े ही छह सात राज्य लग ये कवर करी, इन्हें बिजनेस अब भी रही होलसेल मार्केट भी और साथ ही एरे सूटी की भी आज शिलान्यास करना है, शहीद स्मारक को भी शिलान्यास कर दो और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के भी आज शिलान्यास होना है। तो आज बहुत अकम काम, आज के दिन बहुत बढ़िया शुभ दिन। और किसी किसान मन के से जुड़ के काम शुरू करें और जवान मन से आखिरी कर लें। तो ये जिन बिल्डिंग है चौधरी जी थोड़ा इशारा कर रहे हैं इसे, ये बिल्डिंग के नामकरण करना है तो सबसे बढ़िया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम ही मैं समझता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल मंडी बोर्ड है ठीक नहीं, एक बार जोर पर ताली बजा के समर्थन करा भाई। तो आप सब लोग बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी जी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।